रोड थोड़ी यहाँ पे रोक मैं रोक रहा हूँ किसी को पेट घूमने लग गया हमारा भाभी वाला तो नहीं है ना रोने वाला वही है क्या रंग जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा के बाद गए हम रॉबर्ट्स केव को छुपानी अरे की देख रहे दोनों दोनों क्या कर रहे हैं भाई साहब एक और भाभी आ गए हमारे भाभी जा रही यहाँ से भैया खड़े है भाभी खड़ी है हाँ है ना ना मैं नंगे पैर आ जाऊंगा ना मैं ऐसे जा रहा मैं क्या करना मैंने जाके तो अपन तो भाई चल दिए यहाँ से पानी में ओ भाई हैं ऊपर जाने भाभी कैसा लग रहा है आके सच सच इससे अच्छा तो वो कैंटी बोलता क्योंकि वो खाली था और वहाँ हम अकेले और यहाँ इतने सारे लोग भाई ये देखो भाई चलो हम बस यहाँ पर थोड़ा सा देख के फिर हम यहाँ थोड़ा सा देख के फिर चले जाएंगे यस थोड़ा अंदर चलते आगे की तरफ आगे तो क्या है अभी धीरे धीरे से जा रहे भाभी भाई किसी को भीगना भी नहीं है किसी को घिरना भी नहीं है अभी पानी थोड़ा गंदा हो रहा है यहाँ पर और ये इसीलिए जा रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो भीड़ देख रहे हो भीड़ देख रहे हो साबुन से नहा रहा है क्या बंदा भैया लौंडा साबुन से नहा रहे हैं आ गए यहाँ पर आजा खतरनाक 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 ओ भाई अंदर देखो देख लो चेक करे गाइस व्यू चेक करे वाह लॉन्ड रंग रहे थे है ना ये अभी चलना है तो जाने देंगे भाभी भैया वो वहाँ पर है वो वहाँ पर शाली के साथ तो भाई हम अंदर से बाहर आ चुके हैं अंदर बहुत भीड़ थी अंदर ना अंदर यहाँ अंदर बहुत भीड़ थी हमको जाने नहीं दिया क्यों क्योंकि काफी लोग थे अंदर कुछ खास नहीं लगा हम होके आगे अंदर से काफी अच्छा है पर वो है कि फोटो वोटो के लिए नहीं हाँ माउंटेन्स अच्छे है बस वो है कि हम ज्यादा आगे नहीं गए बेकार सा था वो बेकार है मजा नहीं आया आप कहते यहाँ पे मत आना नहर चल रहे नहर नहरों में नहा लेना आप हरिद्वार चले जाओ अच्छा तो
तो तीन प्लेट मोमोस आ गए, तीन प्लेट भाभी जी, भाभी जी क्या कर रहे हैं तुम? तुमने तो भैया गाड़ी चलानी है, कुछ नहीं करना तुमने, बस गाड़ी चलाते रहो तुम, बस जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ चलते जाओ। गया सहस्त्र धारा, अरे भूली हूँ लड़कों का मुख माँ दाणा दाणा वे छा, अरे बल माने थे जो बला जो सहस्त्र धारा में एक बार मुख धो देंदा नहीं जाना तो वे सब दाणा खत्म, साफ बिल्कुल चेहरा है उना गया हम पहली। सहस्त्र धारा पे रुके तो थे नहीं क्योंकि अब बहुत अजीब सा गंदा सा गंदा हो रखा था, तो हम उसके बाद सीधा किसी कैफे में गए थे, भाभी वगैरह ने कोई कैफे बताया था, तो फिर हम वो सहस्त्र धारा से थोड़ा दूर था तो उतनी देर में ही रास्ते में हमें इतनी बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी जिससे मैं बाइक स्कूटी बाइक से अंदर कार में आ गई थी और कार से सौरभ चला गया था बाइक में और दोनों भीगते भीगते आए थे। उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था जो ह्यूमिडिटी थी बिल्कुल कम हो गई थी। देहरादून वाले लोगों ने बताया नहीं हमें आने के लिए, देहरादून वासियों ने बताया नहीं हमें यहाँ का रास्ता। तो गाइस इसको कहते हैं न्यूट्रल में पहाड़ों में पेट्रोल बचाना, अरे अंदर ही है गाड़ी में, बाइक चलाओ कोई नहीं सीधे रोना तो पकड़ूंगा, अभी नहीं पकड़ूंगा नहीं तो अभी तो गाइस ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, मैंने बैक कैमरे से बना, मैं बताऊंगा कैसे बना। हमने उस कैफे पे लंच वगैरह करके फिर हमने डायरेक्टली भाभी और को ड्रॉप किया, बीच में हमने थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करवाई ब्रिज पे, फिर हमने उनको ड्रॉप करने के बाद हम उसी टाइम वहाँ से फिर देहरादून से हम दिल्ली निकल गए थे। हमने सोचा था कि देहरादून में स्टे करेंगे बट हम उसी टाइम निकल गए थे फिर 6-7 बजे। तो होप गाइज आपको ये हमारी देहरादून की सीरीज़ अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे आपको और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।